हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने प्यारे चैनल ए टू जेड फर्नीचर शाहपुरा में। और गाइज, हमारा जो फर्नीचर का जो काम है वो पूरा हो चुका है। तो गाइज, आज मैं दिखाने जा रहा हूँ एक लग्जरी बेड बेडरूम जो कि है बहुत ही शानदार डिजाइन के साथ हमने जो बनाया है। तो गाइज, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल के ऊपर नए हो, पहली बार विजिट कर रहे हो, तो आप हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ ही में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलती रहे। तो गाइज, वीडियो शुरू करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे है इसका मेन गेट जो हमारे रूम का, सभी गेटों पे ये जो हमारा लेमिनेट वो लग रहा है। और यहाँ पे रोज गोल्ड के जो हमने हैंडल लॉक दिया है, मोर्जिस लॉक जो है वो बोलते हैं। अब चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं फर्नीचर इसका रूम का। तो गाइज, सबसे पहले आप देख सकते हो हमारा यहाँ पे जो है बेड, आप देख सकते हो यहाँ पे कॉर्नर में हमने सीएनसी लगाई हुई है। और इसकी हाइट जो है गाइज, हमने 15 इंची की इसकी हाइट ली है। और गिद्दे की जो साइज है गाइज, आप रख सकते हो इसमें हमने 5.5x6.5 का जो गिद्दा हमने रखा हुआ है। और स्टैंडर्ड जो हाइट होती है गाइज वो 6x6.5 की होती है। और यहाँ पे आप देख सकते हो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो इधर हमने 2 ड्रॉवर दी है साइड टेबल की। जस्ट उधर भी इसी प्रकार की टेबल है साइड टेबल। और इसके ऊपर हमने 12mm का जो ग्लास रखा हुआ है। यहाँ पर 2 इंच की जो बॉर्डर हमने दी हुई है, यहाँ से हमने 1.5 इंच इसको डीप किया हुआ है। और यहाँ से हमने 15 इंच इसको डीप रखा है गाइज। और इसका जो बेड बैग देख सकते हो गाइज, आप बेड बैग के अंदर आप देख सकते हो ये हमने ग्रे कलर की जो है गिद्दी हमने लगाई है। और यहाँ पे जो बटन, सिल्वर बटन हमने यहाँ पे दिए हुए हैं। और इसका जो बेड बैग की डिजाइन ऊपर से आपको दिखाऊं, अगर ऊपर से आप कुछ इस प्रकार से बना सकते हो, यहाँ पे हमने 2 इंची की जो गोल्डन शीट आती है पीवीसी के अंदर, जो लेमिनेट आता है गोल्डन शीट, वो हमने यूज किया हुआ है। और आप इसके पास में देख सकते हो रूफ लाइट, जिसको रूफ लाइट बोलते हैं, इनडायरेक्ट लाइट भी बोलते हैं। और यहाँ पे 2-in-1 की जो लाइट है गाइज, वो लगा रखी है हमने दोनों तरफ। इधर भी आप देख सकते हो, इधर भी आप देख सकते हो, यहाँ पे है वॉलड्रॉप है। ये 3 पल्लों की वॉलड्रॉप है, आप देख सकते हो इसमें हमने 3 पल्ले बनाए हुए हैं। और कुछ इस प्रकार से अंदर से आपको इस प्रकार से दिखती है। यहाँ पे हमने पाइप लगाया हुआ है हैंगर के लिए। और यहाँ पे है, आप देख सकते हो यहाँ पे हमने 2 ड्रॉवर दी हुई है विथ लॉक के साथ यहाँ पे। और नीचे हमने खाली स्पेस छोड़ा हुआ है। और इसके अंदर आप देख सकते हो इसमें भी हमने 2 ड्रॉवर दी हुई है ऊपर नीचे की तरफ। आप देख सकते हो ऊपर के जो ये खाली है बॉक्स यहाँ पे। और इसी के साथ में हमने गोल्ड के जो इसमें ये यूज किए हुए हैं हैंडल, और ये 12 इंची के हैंडल है। और आप इसकी जो बॉर्डर देख सकते हो, यहाँ पे हमने बॉर्डर भी इसके हिसाब से 1.5 इंची बार रखी हुई है गाइज। इस प्रकार से आप बना सकते हो तो मैं इस तरफ आपको मैं दिखा देता हूं जो है एलईडी पैनल। और उसके साथ में हमने जो ड्रेसिंग का जो ग्लास लगाया हुआ है वो है, तो चलिए मैं दिखा देता हूं गाइज। आप देख सकते हो यहां पे जो है एलईडी पैनल है। और सेम जो बेड की जो हमारी एक्रेलिक की जो सीएनसी कटिंग आपने देखी थी डिजाइन, ये सेम वही पैटर्न हमने यहाँ पे जो सीएनसी का लगा रखा है, बहुत ही प्यारा लगता है गाइज। और हमने इसमें 3 जो है लाइटें दी हुई है। और यहाँ पे आप देख सकते हो गोल्डन की, इसमें भी हमने गोल्डन लगाया हुआ है। यहाँ पे हमारी लगेगी एलईडी। और जस्ट इसी के पास में आप देख सकते हो ये ड्रेसिंग के, इसमें थोड़ी सी जगह कम थी रूम के अंदर, तो ड्रेसिंग का जो ग्लास है हमने यहाँ पे लगाया हुआ है गाइज। और इधर भी हमने जो है 3 लाइटें दी हुई है, 1-1 वाट की लाइटें आती है 1 इंच की। और यहाँ पे जो आप देख सकते हो 3 शेल्फे हैं वो दे रखी है गाइज। और यहाँ आप 1.5 इंच इसकी मोटाई रख सकते हो। और हमने ऐसे डीप इसकी जो है 4 इंची रखी हुई है गाइज, ऐसे ही ये 7 इंची की है और ये भी 7 इंची की है। और कुल ये इसका जो लंबाई और इंटू चौड़ाई है, आप लंबाई इसकी देख सकते हो 7 फिट है और इसकी चौड़ाई 8 फिट के लगभग है। और इसके नीचे हमने जो ड्रॉवर दे रखी है गाइज, आप देख सकते हो डिजाइन बहुत प्यारी है गाइज। और यहाँ हमने ड्रॉवर दे रखी है, इसमें 5 ड्रॉवर है। और ये भी हमने गोल्ड और ब्लैक का जो टोन लिया हुआ, जैसे ये माइका लगी हुई है इसी प्रकार से हमने लिया हुआ ये टोन।
और इसकी डीप हमने 12 इंची की रखी है गाइस। इसके अंदर जो हमारी टेलीस्कोप चैनल जो लगी हुई है वो 10 इंची की लगी हुई है गाइस। सर जो है बहुत ही प्यारा लग रहा है, और आपको कैसा लगता है उसके बारे में आप हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं, और हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं और वीडियो में क्या सुधार करना चाहिए उसके बारे में आप कमेंट ज़रूर करें गाइस। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।